बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्स्ट ऑफ डॉक्टर फॉस्टिस, एक्ट 5 सीन 3, द सेम लाइन नंबर आई होप फ्रॉम माय बुक इज लाइन नंबर इज 1। एक्ट 5 सीन 3 लाइन नंबर 1 पेज नंबर अकॉर्डिंग टू माई वेरी ओल्ड बुक 158 और अकॉर्डिंग टू योर उर्दू वर्जन 204 एन के एम उर्दू वर्जन। इंटर फॉस्टिस विद स्कॉलर्स, फॉस्टिस स्कॉलर्स के साथ दाखिल होता है। ये नियर अबाउट एंड है पूरे ड्रामा का। फॉस्टिस, ओ जेंटलमैन जेंटलमैन, व्हाट एल्स फॉस्टिस, फॉस्टिस तुम्हें क्या मसला है, एल्स में क्या परेशानी है। फॉस्टिस, ओह माय स्वीट चैम्बर फेलो, मेरे दोस्तों, हैड आई लिव्ड विद दी, मैं तुम्हारे साथ रहा था, देन हैड आई लिव्ड स्टिल, अभी भी तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, बट नाउ आई डाई एटर्नली, लेकिन अब मैं मर जाऊँगा हमेशा हमेशा की मौत। लुक कम्स ही नॉट, देखो कहीं वो आ तो नहीं रहा। कौन? शैतान, डेवल। कम्स ही नॉट, क्या वो आ तो नहीं रहा। देखें फॉस्टिस अब यहाँ पर डर रहा है। व्हाट मींस फॉस्टिस, फॉस्टिस कौन नहीं आ रहा, क्या मतलब है तुम्हारी बात का। थर्ड स्कॉलर, बी लाइक ही इज ग्राउंड इन टू सम सिकनेस बाई बींग ओवर सोलेटरी। बी लाइक, ऐसा लगता है ही डॉक्टर फॉस्टिस इज ग्राउंड इन टू सम सिकनेस, कोई बीमारी में मुब्तला हो गया है, बाय बीइंग ओवर सोलेटरी, बहुत ज़्यादा तनहा रह रहकर। फॉस्टिस तन्हाई की वजह से किसी बीमारी का शिकार हो गया लगता है ऐसे है। फर्स्ट स्कॉलर, ये डॉक्टर फॉस्टिस का सी वो था जो लगता, थर्ड स्कॉलर का, ठीक है। फर्स्ट स्कॉलर, इफ़ इट बी सो, ऐसा है, वी हैव फिजिशियन टू क्योर हिम, हमें किसी डॉक्टर को बुलाना चाहिए इसके इलाज के लिए। इट्स बट सरफीट, लेकिन ये शायद ओवर ईटिंग की वजह से है। नेवर फेयर मैन, मेरे ख्याल में डरने की ज़रूरत नहीं है, फॉस्टिस ने ओवर ईटिंग की है, ज़्यादा शराब पी है जिसकी वजह से ऐसा वो बिहेव कर रहा है। अ सरफीट ऑफ डेडली सिन, हाँ इसने ओवर ईटिंग की है डेडली सिंस की। फॉस्टिस कहते हैं, फॉस्टिस कह रहे हैं कि मैंने ओवर ईटिंग की है डेडली सिंस की, बहुत बुरे गुनाहों को मैंने को खाया है या किए हैं। जेट है डेंड बोथ बॉडी एंड साउल, डेंड और इसने डैमेज पहुंचाया है, ख़राब किया है मेरी बॉडी को, मेरी रूह को। सेकंड, येट फॉस्टिस लुक अप टू हेवन, खुदा की तरफ देखो फॉस्टिस, रिमेंबर गॉड्स मर्सीज आर इनफिनाइट, याद रखो खुदा की रहमतें बेपनाह हैं, लामहदूद हैं। फॉस्टिस, बट फॉस्टिस ऑफेंस कैन नेवर बी फॉरगॉन्ड, लेकिन फॉस्टिस का गुनाह कभी भी काबिले माफ़ी नहीं हो सकता। द सर्पेंट दैट टेम्प्टेड ईव, वो शैतान सर्पेंट, वो सांप, वो बागी सांप जिसने टेम्प्टेड, जिसने ईव को, जिसने अम्मा हवा को भटकाया था, मे बी सेव्ड, शायद वो बच जाए, बट नॉट फॉस्टिस, लेकिन फॉस्टिस फिर भी नहीं बचेगा, शायद उसकी माफ़ी हो जाए, फॉस्टिस की माफ़ी फिर भी नहीं होगी। ओ जेंटलमैन, हेयर मी विद पेशेंस, मेरी बात गौर से सुनो, एंड ट्रेम्बल नॉट एट माय स्पीचेस, और मेरी गुफ्तगू पर कांपना नहीं, परेशान नहीं होना। जो माय हार्ट पेंट्स, गो के मेरा दिल धड़क रहा है, एंड कोर्स टू रिमेंबर, इस चीज़ को याद करते हुए मेरा दिल कांप रहा है, दैट आई हैव बीन अ स्टूडेंट हेयर दीज 30 ईयर्स, कि मैं यहाँ पर 30 साल तक इस जगह में, इस इलाके में एक स्टूडेंट रहा हूँ, एक डेविनिटी का स्टूडेंट रहा हूँ। ओ वुड आई हैड नेवर सीन विटनबर्ग, क्या मैंने, आकाश कि मैं यहाँ ना स्टूडेंट होता, ना विटनबर्ग कभी आया होता। नेवर रीड बुक्स, आकाश कि मैंने कभी किताबें भी ना पढ़ी होती। एंड वॉट वंडर्स आई हैव डन, ऑल जर्मनी कैन विटनेस, और मैंने जो कारनामे सरंजाम दिए, पूरी जर्मनी को उसका पता है। ये
ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को मेरे कारनामों का पता है। फॉर विच फॉस्टर्स हैज लॉस्ट बोथ जर्मनी एंड द वर्ल्ड, ये और फॉस्टर्स ने जर्मनी भी खो दी आज, दुनिया भी खो दी आज, हैवन इटसेल्फ और जन्नत भी खो दी, हैवन गॉड भी खो, हैवन आसमान भी खो दिया, द सीट ऑफ गॉड और खुदा ने मुझे जो एजाज बख्शा था एक स्कॉलर, मजहबी स्कॉलर होने का, वो भी मुझसे खो गया। एक इंसान का जो एजाज मुझे दिया था गॉड ने अशरफुल मखलूक का, वो भी खो गया। द थ्रोन ऑफ ब्लेस्ड, वो अशरफुल मखलूक का जो मुझे थ्रोन दिया था, तख्त मिला था, वो भी मुझसे खो गया। क्यों? इसने गॉड को एब्यूज़ किया था ना। द किंगडम ऑफ जाय, खुशियों की किंगडम सल्तनत मुझसे खो गई, यानी कि जन्नत, एंड मस्ट रिमेन इन हेल फॉर एवर, और मैं हमेशा हमेशा जहन्नम में रहूँगा। हेल हेल फॉर एवर, हाँ मैं हमेशा जहन्नम में रहूँगा। स्वीट फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, व्हाट शैल बिकम ऑफ फॉस्टस, फॉस्टस के साथ क्या हुआ है, क्या होगा फॉस्टस के साथ, बीइंग इन हेल फॉर एवर, क्या फॉस्टस हमेशा हमेशा जहन्नम में चलेगा। थर्ड स्कॉलर, येट फॉस्टस कॉल ऑन गॉड, फॉस्टस खुदा को पुकारो, फॉस्टस ऑन गॉड होम फॉस्टस हैज अब्जर्ड, उस खुदा को पुकारेगा फॉस्टस जिस खुदा को फॉस्टस ने बुरा भला कहा, जिसकी शान में गुस्ताखी की। ऑन गॉड, उस खुदा को होम फॉस्टर हैज ब्लेसफेम्ड, जिसके बारे में फॉस्टस ने बहुत बुरा कहा, ब्लेसफेम्ड। गॉड को जब कोई बुरा कहता है तो कहते हैं ब्लेसफेमी की है इसने, गॉड की रिस्पेक्ट में कोई वो करता है तो कहते हैं ब्लेसफेमी कर दी इसने, या होली प्रॉफिट की। तो वो कहते हैं कि मैंने तो गॉड की शान में गुस्ताखी कर दी। ओ माय गॉड आई वुड वीप, ओ मेरे खुदा मैं रोऊंगा, बट डेविल ड्रॉज इन माय टीयर्स, मैं रोता हूँ मेरे खुदा, लेकिन डेविल लूसीफर मेफिस्टोफेलेस ये बदरूहें मेरी आंखों से आंसू ड्राई कर देती हैं, निकाल कर ले जाती हैं। गश फोर्थ ब्लड, और मेरे खून में ज़ोर से उबाल आता है, खिंचाव आता है। गैश का मतलब है खून के अंदर एक गैप पैदा हो जाता है। इंस्टेड ऑफ टीयर्स, आंसुओं की बजाय मेरी आंखों से खून जारी होता है। ये लाइफ एंड साउल, मेरी ज़िंदगी मेरी रूह। ओ ही स्टेज माई टंग, देखो ये डेवल मेरी जबान को काबू में कर रहे हैं, रोक रहे हैं। आई वुड लिफ्ट अप, आई वुड लिफ्ट अप माई हैंड्स, मैं अपने हाथों को ऊपर उठाता हूँ। बट सी दे वुड देम, दे होल्ड देम, लेकिन ये मेरे हाथों को पकड़ लेते हैं। दे होल्ड देम, ये डेवल मेरे हाथों को पकड़ लेते हैं। यस, वालेकुम अस्सलाम। नहीं अभी नहीं, एक थी लेकिन अब नहीं है। गुड नेम आपका, ओके दैट्स वेरी राइट, आई विल टेल यू लेटर, ओके नाइस ऑफ दी, ओके। दे होल्ड देम, मैं हाथ उठाता हूँ दुआ के लिए तो मेरे हाथ पकड़े जाते हैं। ऑल, तमाम स्कॉलर कहते हैं, हु फॉस्टस, कौन तुम्हारे हाथ पकड़ता है फॉस्टस, फॉस्टस लूसीफर एंड मेफिस्टोफेलेस, ओ जेंटलमैन, लूसीफर और मेफिस्टोफेलेस, सैटन और उसका चेला मेफिस्टोफेलेस मेरे हाथ पकड़ते हैं। आई गेव देम माई साउल फॉर माई कनिंग, और मैंने अपने जादू के बदले या अपनी चलाकी में मैंने उन्हें अपनी रूह बख्श दी थी, दे दी थी। और गॉड फॉरबिड, अल्लाह तौबा, फॉस्टस गॉड फॉरबिड इट, खुदा इस चीज़ से मना करता है। इंडीड दर हकीकत, बट फॉस्टस हैज़ डन इट, लेकिन फॉस्टस ने ऐसा कर दिया। For vain player of 24 years has Faustus lost eternal joy and felicity. Felicity, abdi musarrat, hamesha hamesha ki musarrat. Faustus ne mehaz 24 saalon ki khushiyon ke liye, jhooti khushiyon ke liye, usne hamesha hamesha daimi jo khushiyan thi unko usne kho diya Faustus ne.
आई रेड देम अ बिल विद माय ओन ब्लड, मैंने अपने ही खून से उनको एक एग्रीमेंट लिख कर दे दिया, रिट लिख कर दे दी। द डेट इज़ एक्सपायर्ड, वक्त गुजर गया, 24 साल का वक्त गुजर गया। द टाइम विल कम, वक्त आ पहुँचेगा, एंड ही विल फैच मी, और वो मुझे आ कर ले जाएंगे। फर्स्ट कलर, व्हाई डिड नॉट फॉस्ट टेल अस ऑफ दिस बिफोर, फॉस्टस ने हमें पहले क्यों नहीं बताया इन चीज़ों के बारे में। दैट डिवाइंस माइट हैव प्रेड फॉर दी, हो सकता था डिवाइंस जो मजहबी लोग हैं, पादरी हैं, वो फॉस्टस के हक में दुआ करते हैं हम सब मिलकर, हमें पहले बताता। फॉस्टस, ऑफ्ट हैव आई थॉट टू हैव डन सो, मैंने अक्सर सोचा मैं ऐसा करूँ। बट अ डेविल थ्रेटन्ड टू टेयर मी इन पीसेस, लेकिन शैतान और बदरुए मुझे धमकाते थे कि वो मुझे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इफ आई नेम्ड गॉड, अगर मैंने रब का नाम भी लिया, टू फेच बोथ माई बॉडी एंड साउल, वो मेरी बॉडी और साउल दोनों को घसीट कर ले जाएंगे। इफ आई वंस गेव एयर टू डिविनिटी, अगर मैंने एक बार भी इलाहियात की तरफ, मज़हब की तरफ, खुदा की तरफ, चर्च की तरफ, क्राइस्ट की तरफ मैंने एक बार भी कान धरा, तो मुझे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। एंड नाउ इट्स टू लेट, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जेंटलमैन अवे लीस्ट यू फेरिश विद हिम विद मी, जेंटलमैन चले जाओ, दूर चले जाओ, लेस्ट यू फेरिश विद मी, ऐसा ना हो कि तुम मेरे साथ तबाह हो जाओ। पेरिश का मतलब तबाह हो जाना, फट जाना, चीथड़े चीथड़े हो जाना। Where are we? Okay, second color. Oh, what shall we do to save Faustus? Faustus को सेव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये मीनिंग शैल ही है इसका, पुरानी इंग्लिश है ना? नहीं नहीं, पुराना शैल ऐसे होता था, हाँ, हैज भी हैथ होता था, एच ए टी एच है, हाँ जी, वो दोनों यूज़ करते थे ताकि लोगों को ये क्योंकि लैंग्वेज क्रिएट भी करते हैं लिटरेचर के लोग, नई चीज़ें देते भी हैं, तो जब वो इस्तेमाल करते थे लोग फिर समझ जाते थे कि अच्छा ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल हो रही है तो इसका मतलब भी यही है, तो ऐसे ऐसे लोग उस तरफ आते थे। ओ व्हाट शैल वी डू टू सेव फॉस्टस, टॉक नॉट ऑफ मी बट सेव यूर सेल्स एंड डिपार्ट, मेरी बात मत करो, अपने आप को बचाओ, चले जाओ यहाँ से। गॉड विल स्ट्रेंथन मी, आई विल स्टे विद फॉस्टस, थर्ड कलर कहता है कि खुदा मेरी मदद करेगा, मुझे ताकत बख्शेगा, मैं फॉस्टस के साथ ठहरूँगा। फर्स्ट कलर, टेम्प्ट नॉट गॉड, खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मत जाओ स्वीट फ्रेंड, बट लेट अस इनटू द नेक्स्ट रूम, आओ दूसरे रूम में चलते हैं, एंड देयर प्रे फॉर हिम, और वहाँ इसके लिए हम दुआ करते हैं। फॉस्टस, आई प्रे फॉर मी, हाँ मेरे लिए दुआ करो, प्रे फॉर मी, मेरे लिए दुआ करो। एंड व्हाट नॉइस सो एवर यू हेयर, यू हेयर, और तुम जो शोर भी सुनो यहाँ पर। हाँ यू, वाई डब्ल्यू भी लिखते हैं ना कुछ लोग, वाई डब्ल्यू ये हेयर, ये तुम आप क्या लिखते हैं आजकल? हाँ लिखते हैं वो, इस तक लिखते हैं, ठीक है। कम नॉट ऑन टू मी, मेरे पास मत आना अगर तुम मेरी आवाज़ भी सुनो। फॉर नथिंग कैन रेस्क्यू मी, मुझे कोई चीज़ भी नहीं बचा सकती।
seconds column. Pray thou and be and will pray that God may have mercy upon thee. दुआ करते हैं तुम्हारे लिए और खुदा से ये दुआ करेंगे कि खुदा तुम पर रहम करे. Gentlemen, farewell, khuda hafiz. If I live till morning, I'll visit ye. अगर मैं कल तक बचा बाकी तो मैं तुमसे आकर मिलूँगा. If not, Faustus is gone to hell. अगर नहीं आया तो याद रखना कि फास्टस जहन्नम में चला गया है. अगर ना आया तो समझना फास्टस जहन्नम में चला गया है. तो ये एक लेसन भी मिल गया कि जो बुरा काम करता है सैटन के साथ मिलता है तो वो जहन्नम में जाएगा. फास्टस फेयरवेल, तमाम लोग कहते हैं फास्टस खुदा हाफिज. एक्सलेंट स्कॉलर चल जाते हैं. द क्लॉक स्ट्राइक्स 11. एक घंटा बाकी बच गया है. क्लॉक ने 11 स्ट्राइक कर दिया है. अब फास्टस के बाद एक घंटा है जिंदा रहने के लिए. यू ऑन दिस लाइट लेडी, ऑन दिस लाइट, ऑन दिस लाइट. फास्टस जेड लाइट इन द जॉर्ड. फास्टस ओ फास्टस, ये अब सोलोलोकी है. फास्टस की पर्सनल अब डिबेट है. लास्ट आवर में वो क्या कहता है, एक इंसान मरने से पहले क्या कहता है वो जो हेल में जा रहा हो. ओ फास्टस नाउ हैज दाउ बट वन बाहर टू लिव. फास्टस तुम्हारे पास बस एक घंटा है, महज एक घंटा जिंदा रहने के लिए. यस बा महज, वैसे नंगा होता है बा का मतलब सिर्फ कह सकते हैं इस मीनिंग में. एंड देन thou must be deemed perpetually. और उसके बाद फास्टस तुम हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम वासल हो जाओगे, जहन्नुम में चले जाओगे. इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं 4-5-6. स्टैंड स्टिल, ठहरे रहो. यू एवर मूविंग स्फियर्स ऑफ हेवन, आए आसमानों के घूमते हुए दैरो. रुक जाओ. अब वो कोशिश कर रहा है कि वक्त रुक जाए. स्फीयर्स ऑफ हेवन, ए आसमानों के अंदर घूमने वाले दायरों, रुक जाओ. द टाइम मे सीज, ताकि वक्त रुक जाए. एंड मिडनाइट नेवर कम, और रात आधी रात 12 कभी ना बजे. फेयर नेचर आए, ए सूरज फितरत की आँख. राइज राइज अगेन एंड मेक अ परपेचुअल डे. बार बार उठो, बार 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 तलू हो जाओ, और एक दायमी दिन बना दो ताकि रात कभी ना आए. और लेट्स दिस आवर बी बट अ ईयर, या इस एक घंटे को बढ़ाकर एक साल का बना दो. अ मंथ, या ए सूरज इस एक घंटे को एक माह का बना दे. अ वीक, चलो एक वीक का दिन ये घंटा हो जाए. अ नेचुरल डे, एक दिन मुझे मिल जाए. और दैट फोर्सेस मी रिपेंट, कहीं ऐसा हो कि फास्टस को मौका मिल जाए पछताने का. एंड सेव हिज सोल, और फास्टस अपनी रूह को बचाने में कामयाब हो जाए. ओ लेंटी लेंटी खरट नोसी नोसिस इक्वी, कहे स्लोली ऐसा ऐसा चलो. एस ए रात के घोड़ो, ऐ रात के घोड़ो ऐसा ऐसा चलो, यानी कि रात को लाने वाले जो हॉर्सेस चल रहे हैं ऐसा ऐसा चलो. द स्टार्स मूव स्टिल, सितारे अभी भी चल रहे हैं. टाइम रन्स, वक्त अभी भी दौड़ रहा है. द क्लॉक विल स्ट्राइक, और फिर क्लॉक घंटा बजा देगी. द डेविल विल कम, और डेविल आएंगे. एंड फास्टस मस्ट बी डेंड, और फास्टस लाजमी जहन्नम में चला जाएगा. ओ आई लीप अप टू माय गॉड, मैं अपने खुदा के ऊपर छलांग लगा दूंगा. हैं, जिस तरह माँ के ऊपर कोई बच्चा छलांग लगाता है डर के खौफ से, और उसके पास गॉड ही है उसका सेवियर, कहता है कि मैं खुदा के ऊपर छलांग लगा दूंगा ताकि मुझे सैटन आकर छू भी ना सके, पकड़ भी ना सके. हु पुल्स मी डाउन, मैं खुदा पर छलांग लगाने की कोशिश करता हूँ. हु पुल्स मी डाउन, मुझे नीचे से कोई खींच लेता है. सी सी वेयर क्राइस ब्लड स्ट्रीम्स इन द फर्मामेंट, फर्मामेंट आसमान से
देखूं देखूं कहां से आसमान से ईसा का खून आ रहा है। कहते ईसा के खून का एक कतरा उम्मत को बचा गया। ठीक है, ये एक बात मशहूर है कि हज़रत ईसा के खून का एक कतरा पूरी उसने दुनिया की बख्शिश करा दी। तो ये क्रिश्चियन मैथोलॉजी के बारे में। तो कहते हैं कि देखो देख रहा आसमान की तरफ कि कहाँ से वो रहमत का कतरा गिरता है उसके ऊपर। वन ड्रॉप वुड सेव माय सोल, एक कतरा मेरी रूह को बचा सकता है। हाफ अ ड्रॉप, आधा कतरा मेरी रूह को बचा सकता है। ओ माय क्राइस्ट, मेरे क्राइस्ट, मेरे मसीहा इब्ने मरियम, रेंड नॉट माय हार्ट फॉर नेमिंग ऑफ माय क्राइस्ट, अपने क्राइस्ट का नाम लेते हुए ए शैतानों मेरे दिल को मत फाड़ो। रेंट का मतलब फाड़ देना, चीर देना। येट आई कॉल ऑन हिम, मैं फिर भी उसे पुकारूंगा, यानी कि मैं खुदा का या ईसा का नाम लेता हूं तो दर मेरे दिल को चीर देते हैं। कौन? डेवल। ओ स्पेयर मी लूसीफर, ओ स्पेयर मी लूसीफर, वेयर इज इट नाउ, ओ मुझे लूसीफर से बचा लो, वेयर इज इट नाउ, कहाँ है अब वो क्राइस्ट। देख रहा था आसमान में, कह रहा था यहाँ पर ब्लड का कतरा आएगा, यहाँ से मुझे क्राइस्ट बचाने आएगा। फिर कहता है लूसीफर वो मुझे बचाएगा या लूसीफर से मुझे कौन बचाएगा, वेयर इज इट नाउ, कहाँ है अब वो क्राइस्ट। इट्स गॉन, क्राइस्ट ब्लड इज गॉन, क्राइस्ट का खून चला गया। एंड सी वेयर गॉड स्ट्रेच इट आउट हिज आर्म, और मैं देखता हूँ कहाँ पर खुदा अपना बाजू आगे बढ़ाता है मेरी तरफ। एंड बेंड्स हिज आयरी फुल ब्रोज, और मैं देखता हूँ कि खुदा मेरी तरफ अपना बाजू बढ़ाता है। एंड बेंड्स हिज आयर फुल ब्रोज, और अपने आयर फुल गुसीले चढ़े हुए ऊपर, और अपने गुसीले आईब्रोज भवों को मेरे ऊपर मुझे देख, भवों से मुझे देखता है गुसीले भवों से। माउंट्स एंड हिल्स, माउंटेन्स एंड हिल्स, ए पहाड़ और पहाड़ियों, कम कम एंड फॉल ऑन मी, आओ आओ और मेरे ऊपर आ जाओ, मुझे अपने अंदर समेट लो, मुझे ढांप लो। एंड हाइड मी फ्रॉम द हैवी रेथ ऑफ गॉड, और मुझे खुदा के गुस्से से बचा लो। पहले वो लूसीफर से डर रहा था, फिर क्राइस्ट को बुलाता है, फिर गॉड को बुलाता है, फिर देखता है कि गॉड भी मेरे ऊपर गुस्से होगा। कहता है गॉड का गुस्सा और ज़्यादा होगा, मैं जब माउंटेन्स अपने अंदर संभालें छुपा लें। नो नो, देन विल आई हेड लॉन्ग रन इन टू द अर्थ, नहीं मैं सर के बल दौड़ूंगा इस रूए ज़मीन पर पनिशमेंट के तौर पर। अर्थ ज़मीन गैप, ज़मीन अपना मुंह खोल, ओ नो इट विल नॉट हार्बर मी, ओ ज़मीन भी मुझे सहारा नहीं दे रही, ज़मीन तो फट जा ताकि मैं तेरे अंदर छुप जाऊँ, ज़मीन भी मुझे सहारा नहीं दे रही। यू स्टार्स दैट ड्रॉइंड एट माई नेटिविटी, और तुम सितारे दैट ड्रॉइंड एट माई नेटिविटी, वो सितारे जो तुम मेरी बर्थ के ज़िम्मेदार हैं। नेटिविटी का मतलब बर्थ, यानी कि ऐ मेरी परवरिश के सितारों, ऐ सितारों जिन्होंने मुझे परवरिश दी है, यानी कि मेरी किस्मत के सितारों। हुज़ इन्फ्लुएंस हैज़ अलॉटेड डेथ एंड हेल, और इन्हीं सितारों के इन्फ्लुएंस से असर से मौत और जहन्नुम बनती है, इंसान को मौत आती है। कब बानी है सितारे, इल्म नजूम बताता है, यहीं सितारों की वजह से, यहीं सितारे इंसान पर ये लागू करते हैं, बताते हैं कि ये इंसान हेलिश है या ये हेवनली शख्स है, गॉडली है। वो अपने सितारों को बुलाता है, नाउ ड्रॉप फास्टेस, ऐ सितारों तुम मेरी किस्मत के, मेरी ज़िंदगी के सितारे हो, मुझे खींच लो अपनी तरफ। लाइक अ फॉगी मिस्ट, ऐसे खींच लो जिस तरह के तुम धुंध को अपनी तरफ खींचते हो। मिस्ट का मतलब भी धुंध होता है, फॉग का मतलब भी धुंध होता है, धुंधली धुंध की तरह मुझे अपनी तरफ खींच लो। ये उस वक्त कंसेप्ट था कि सितारे जो हैं ये धुंध को खींच लेते, जब धुंध आती है ज़मीन पर तो फिर सितारे खींच लेते, उसे पी जाते हैं। तो मिथ या कंसेप्ट है। एंड द एंट्रेल्स ऑफ योन लेबरिंग क्लाउड्स, एंट्रेल्स अंदरूनी हिस्से, आंतड़ियाँ, यौन घने, लेबरिंग भागते दौड़ते हुए, ऐ घने गरजते हुए, घने और गरजते हुए बादलों, अपने आंतड़ियों के अंदर मुझे छुपा लो, मुझे अपने अंदर छुपा लो।
that when you yom it forth, क्योंकि जब तुम मुझे उगलोगे, yom it forth into the air, जब हवा के अंदर फिर तुम मुझे उगलोगे, यानी कि बादलो मुझे अपने अंदर छुपा लो, मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊँगा, और फिर जब तुम बरसोगे, उगलोगे जब तुम, तो फिर क्या होगा? My limbs may issue from your smoky mouth, तो मेरे टुकड़े टुकड़े तुम्हारे स्मोकी माउथ से बाहर निकलेंगे, यानी कि बादल मुझे अपने अंदर तुम जमा लो, फिर जब तुम बरसोगे तो मेरे टुकड़े टुकड़े मुख्तलिफ जगहों पर गिरेंगे, तो मुझे कोई इकट्ठा भी नहीं कर सकेगा, देख भी नहीं सकेगा, मैं बिखर जाऊँ, बेहतर है जहन्नुम में जाने से। सो दैट माई सोल मे बट असेंड टू हेवन, ताकि मेरी रूह किसी तरह से जन्नत में पहुँच जाए, हेल में जाने से बच जाए, आसमानों में पहुँच जाए। द क्लाक स्ट्राइक्स द हाफ आवर, 11:30 हो गए, आधा घंटा बाकी है। हाफ द आवर इज पास्ट, आधा घंटा गुजर गया। इट विल ऑल बी पास्ट अनॉन, अनॉन वक्त, वक्त इसी तरह गुजर जाएगा। ओ गॉड इफ दाउ विल्ट नॉट हैव मर्सी ऑन माई सोल, ऐ खुदा अगर तुमने मेरी रूह के ऊपर रहम ना किया, तरस ना किया। येट फॉर क्राइस्ट सेक, और तुम मुझ पर रहम करो, किस पर? क्राइस्ट के वास्ते, क्राइस्ट के लिए, हज़रत ईसा की कसम है तुझे, हुज ब्लड हैज रैनसॉम्ड मी, जिसका हुज ब्लड हैज रैनसॉम्ड मी, जिसकी खून मेरी ज़िम्मेदार है, यानी कि मुझे उसका खून ही बचा सकता है, जिसका खून मुझे बचा सकता था क्राइस्ट, तुम्हें उसी का वास्ता। इम्पोज सम एंड टू माई इंसेसेंट पेन, इंसेसेंट बढ़ता हुआ दर्द, तकलीफ। इम्पोज सम एंड, और फिर यस बाबा, सर मैं बाद में बात करता हूँ, ड्यूरिंग आई मीन लेक्चर। इम्पोज सम एंड टू माई इंसेसेंट पेन, मेरे बढ़ते हुए पेन की इम्पोज सम एंड, इसके ऊपर लागू करो कोई इख्तिताम, एंड मेरे दर्द की दवा कर। लेट फास्टर लिव इन हेल अ थाउजेंड ईयर्स, हाँ फास्टेस्ट 1000 ईयर्स तक जहन्नुम में रह सकता है। 100,000, और मैं 1000,000 साल रह सकता हूँ, लाखों साल रह सकता हूँ जहन्नम के अंदर। 100,000 कितना होता है? लाख होता है, ठीक है जी। लाखों साल रह सकता हूँ, एंड एट लास्ट बी सेव्ड, और बस आखिरकार बच जाऊँ। कहते हैं मैं 1000,000 साल लाखों साल भी जहन्नम में रहना पसंद करूँगा, लेकिन फिर मेरी बख्शिश हो जाए बस। ओ नो एंड इज़ लिमिटेड टू डेन साउल्स, एंड इज़ लिमिटेड टू डेंट साउल, लेकिन जो जहन्नम में जाने वाली रूहें हैं उनका एंड जो है, नो एंड इज़ लिमिटेड, उनका कोई इख्तिताम नहीं है, कोई एंड नहीं है उनका। वॉट दो नॉट अ क्रीचर वॉन्टिंग साउल, फास्टेस्ट तू वॉन्टिंग साउल, क्रीचर वॉन्टिंग साउल, तुम ऐसी किसी और रूह में, किसी और जानवर के अंदर पैदा क्यों नहीं हुआ? वाई वोट दो नॉट अ क्रीचर वॉन्टिंग सोल, तू वॉन्टिंग का रूह, और वॉन्टिंग सोल का मतलब है बेरूह पैदा क्यों नहीं हुआ? वर्ड का मतलब वर है, WER, वर। फास्टेस्ट तू बेरूह पैदा क्यों नहीं हुआ? तू ऐसी चीज़ होता जिसकी रूह ही ना होती, और वाई इज दिस इमॉर्टल, और फास्टेस्ट तू इमॉर्टल क्यों नहीं, और फास्टेस्ट तुम्हारी रूह इमॉर्टल क्यों है? दैट दाउ हैस्ट, ऐ काश के रूह को भी मौत आती, ये इमॉर्टल नहीं है तो इसको सजा मिलेगी। आ फिसागोरस मेटासाइकोसिस, आए फिसागोरस की मेटासाइकोसिस, फिसागोरस का ये नज़रिया था, ही वॉज ऑल्सो ग्रीक, तो फिसागोरस ने यह कहा था कि एक इंसान जब मरता है तो उसकी रूह शेर बन जाती है, शेर जब मरता है वो रूह एलिफेंट बन जाती है, एलिफेंट की रूह से वो निकलकर मगरमच्छ की रूह बन जाती है, यानी कि रूह इस तरह डिफरेंट चीज़ों में ट्रैवल करती रहती है। तो ये भी कंसेप्ट है
कि जब इंसान मरता है तो फिर तो उसको कीड़े खा जाते हैं, कीड़ों के अंदर आपके जिस्म के गोश्त पोश चला जाता है ग़िज़ा बनकर, फिर जब कीड़े मरते हैं तो वो किसी दरख्त की ग़िज़ा बन जाते हैं, दरख्त फिर उगता है तो उससे फ्रूट उगते हैं, तो फ्रूट फिर इंसान के पास चला जाता है। तो ये भी एक सर्कल है कहते हैं। नाइजीरिया के अंदर कुछ निग्रोस हैं, जब वहाँ पर कोई आदमी मरता है तो वो निग्रो मिलकर उस निग्रो को खा जाते हैं, मुर्दे को। वो ये कहते हैं कि जी ये शख्स हमारे अंदर ज़िंदा रहेगा, हमारे रूह में रहेगा ना, हमारे जिस्म का पार्ट बन जाएगा, ब्लड बन जाएगा, हमारे अंदर मौजूद रहेगा। तो वो कहते हैं कि आए काश मेटास्टासिस सच होती हो, वर दैट ट्रू, आए काश कि वो सच होती कि मेरी रूह निकल कर एलिफेंट बन जाती, लायन बन जाती, यानी कि इसको सैटर्न लेकर ना जाता। दिस साउल शुड फ्लाई फ्राम मी, ये रूह मुझसे उड़कर चली जाए, एंड आई बी चेंज, और फिर मैं कोई और जानवर की शक्ल इख्तियार कर लूँ, अंडर सम ब्रूटिश बीस्ट, बेशक मैं कोई जंगली दरिंदा बन जाऊँ, ब्रूटिश ब्रूट किस्म का, वैसी किस्म का बीस्ट दरिंदा, ऑल बीस्ट आर हैप्पी, तमाम दरिंदे खुश रहते हैं, फॉर वैन दे डाई, और जब वो मरते हैं, देयर साउल्स आर सून डिजॉल्व्ड इन एलिमेंट्स, उनकी साउल जो है वो किसी और एलिमेंट में बदल जाती है, और एलिमेंट में बदल जाती है, यानी कि उनकी साउल मिट्टी में बदल जाती है, उनकी साउल मिट्टी में बदल जाती है या किसी और चीज़ में बदल जाती है, बट माइन मस्ट लिव स्टिल टू बी प्लेग्ड इन हेल, लेकिन मेरी रूह लाजमी तौर पर जहन्नम में ही जाएगी, प्लेग्ड इसको, ये बीमार हो जाएगी और जहन्नम में जाएगी, कर्स्ड बी द पेरेंट्स That engendered me, cursed me the parents that engendered me, लानत हो मेरे वालदैन पर जिन्होंने मुझे पैदा किया। अपने वालदैन को वो लानतन कर रहा है, अपने वालदैन को वो लानतन कर रहा है कि उन्होंने मुझे पैदा ही क्यों किया था कि मैं इतना बुरा शख्स था। No Faustus, curse thyself, curse Lucifer, नहीं Faustus, अपने आप को लानतन करो, लूसीफर को लानतन करो, That has deprived thee of the joys of heaven, वो लूसीफर जिसने तुम्हें खुशियों से महरूम कर दिया, जन्नत की खुशियों से महरूम कर दिया। The clock strikes 12, 12 बजते हैं। Oh, hello, वालेकुम अस्सलाम, एमरजेंसी है या वेट कर सकते हैं? Yes, I'm just going to finish. After 1 hour, I'll call you back. Okay, nice of you. Oh, it strikes, it strikes. Nobody turns to air. कोई चीज़ भी हवा में नहीं बदली, मेरी रूह बदली नहीं है। और लूसीफर विल बेयर दी क्विक टू हेल, और लूसीफर जल्दी तुम्हें ले जाएगा हेल के अंदर। थंडर एंड लाइटनिंग, गरज होती है, बिजली चमकती है। ओ साउल बी चेंज इनटू लिटिल वाटर ड्रॉप्स, आए मेरी रूह तब्दील हो जा पानी के छोटे छोटे कतरों में। एंड फॉल इनटू द ओशन नेवर बी फाउंड, और फिर समंदर के ऊपर जाके गिरो ए कतरों, और कभी भी ना पाए जाओ, कभी भी ना ढूंढे जा सको। माय गॉड लुक नॉट सो फियर्स ऑन मी, ऐ मेरे खुदा मुझे इस तरह गुस्से से मत देखो। एडो सरपेंट्स, बदरुएं, सांप, सरपेंट्स सांप, एडर भी सांप की तरह का एक जानवर होता है, जहरीला होता है। लेट मी ब्रीज अ वाइल, अब उसको आके चिमट गए हैं सांप, मुख्तलिफ किस्म की बदरुएं आके उसकी रूह काबू कर रही हैं। कहते हैं मुझे एक सांस तो लेने दो। अगली हेल गैप नॉट, उसे अब जहन्नम नज़र आ रही है। कहते हैं जहन्नम अपना मुंह मत खोलो। कम नॉट लूसीफर, लूसीफर करीब ना। आई विल बर्न माय बुक्स, ओ मेफिस्टोफेलेस, मैं अपनी किताबें जला दूंगा।
Oh, Mephistopheles, Mephistopheles, excellent devils with Faustus. I'll burn my books. मैं अपनी बुक्स जला दूंगा. कौन सी बुक्स जलाएगा? अब जादू की बुक्स हैं या फिर रिलीजियस बुक्स हैं? वो कहते हैं कि लूसीफर मेरे करीब ना हो. पहले भी उसने सेम डायलॉग कहे थे कि मुझे मत मारो, मैं फिर कभी गॉड का नाम नहीं लूंगा. दैट इज अगेन अ क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द ड्रामा कि डॉक्टर फॉसेस किस तरफ गया है, कौन सी बुक्स जलानी है इसने. बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एंड किया है ना. फिर आगे फिर क्वेश्चन छोड़ दिया है कि लोग क्या सोचते हैं आगे जाकर. एक्सीलेंट डेविल्स विद फॉस्टस और डेविल फॉस्टस सब चले जाते हैं. इंटर कोरस जैसे स्टार्ट में कोरस आया, हर एक्ट के एंड में कोरस आया, या स्टार्ट में कोरस आया एक्ट के एंड पर कोरस आया अपना फंक्शन पूरा करने के लिए. और यहाँ पर इसने मैरल लेसन देना है. अब कट इज द ब्रॉन्ज दैट मॉल्ट हैव ग्रोन फुल स्ट्रेट. वो शाख काट दी गई जो बिल्कुल सीधी उगी थी. एंड बोन्ड इज अपोलोज लूरल बाओ. लूरल बाओ वो ऐसी ब्रांच होती थी जो इम्तजाज होती, जो दूसरों से मुनफरद होती थी. यानी कि ताज जो इम्तियाज वाला ताज है, यानी कि जो गॉड्स होते थे ना, वो अपने सर के ऊपर एक ख़ास किस्म की झाड़ी को बांध कर रखते थे जो उनका ताज होता था. ठीक है, वो कहते हैं वो जो अपोलो का ताज था, यानी कि वो जो अपोलो गॉड को रिप्रेजेंट करने वाला था, इलाहियात का स्कॉलर था, जो मज़हब के अंदर आला मर्तबे पर था, वो शख्स बर्न जला दिया गया. यानी कि अपोलो गॉड का जो ताज था, यानी कि फास्टस जो बहुत बड़ा आलम था दीन का, उसको आकर ख़त्म कर दिया गया. देयर सम टाइम ग्रू विद इन दिस लर्न मैन. वो जो एक बार बढ़ा था आगे एक लर्न मैन की हैसियत से, जो आलम की हैसियत से आगे बढ़ गया था. फास्टस इज गॉन. वो फास्टस चला गया. रिगार्ड हिज हेलिश फॉल. और उसकी हुई एक जहन्मी डाउनफॉल, उसकी शिकस्त हुई. वो एडवर्सिटी में चला गया, वो तबाही में चला गया. प्रॉस्पेरिटी से एडवर्सिटी में आ गया, एक आला मकाम से घटिया तरीन पिट के अंदर जाकर बर्बाद हो गया. हुज फिंटफुल फॉर्चून, जिसकी तबाहकुन शैतानी किस्मत में एग्जोट वो बढ़ा गई. द वॉइस उसकी जहानत को, द वॉइस ओनली टू वंडर एट. और जो में एग्जोट आगे बढ़ गया, यानी कि उसकी तबाही कुन फॉर्चून उसे आगे बढ़ा गई, तबाही की तरफ ले गई. द वॉइस ओनली टू वंडर और जहानत वाले लोग, द वॉइस ओनली टू वंडर जहीन लोग हैरान हो गए. एट अनलॉफुल थिंग्स, वो हैरान हो गए कि ये अनलॉफुल थिंग्स की तरफ गया था. यानी कि वो एक जहीन आदमी था और जहीन लोग भी हैरान हो गए कि डॉक्टर फॉसेस जो इंतहाई पढ़ा लिखा था वो अनलॉफुल चीज़ों की तरफ बढ़ गया. हूज डीपनेस डोस इन टाइस. और इस गुनाह की अनलॉफुल चीज़ों की गहराई ने एंटाइस उसे ट्रैप कर लिया. सच फॉरवर्ड विट्स, ऐसी सोच को, ऐसी उम्दा जहानत को ट्रैप कर लिया इस किसने, अनलॉफुल चीज़ों ने. यानी कि फॉसेस का उम्दा जहन गैर कानूनी अनलॉफुल हेलिश चीज़ों के अंदर पड़ गया, ट्रैप हो गया. टू प्रैक्टाइज मोर देन हेवनली फॉर परमिट्स. और क्योंकि उसने प्रैक्टिस की थी उन चीज़ों की जिन चीज़ों की हेवन ने प्रैक्टिस की इजाज़त दी थी, उन चीज़ों से बढ़कर कोई प्रैक्टिस की थी. यानी कि गॉड ने, हेवन ने प्रैक्टिस की इजाज़त दी है कि आप ये काम कर सकते हैं. उसने मोर देन दैट कर दिया, उससे आगे बढ़ गया. यानी कि हेवन को, गॉड को, क्राइस्ट के अहकाम को उसने वायोलेट कर दिया और आगे बढ़ गया, जिसकी वजह से उसकी तबाही हुई. टर्मिनेट हेरा डैम टर्मिनेट एक्टस ओपस. जैसे दिन का अख्ताम घंटे से होता है, मुसन्निफ़ अपना काम ख़त्म करता है. ओके okay?
तो दैट वाज द डॉक्टर फॉस्टस, जो हमने देखा कि एक ट्रेजडी थी प्योर, और ये ट्रेजडी में देखा गया कि एक बहुत बड़ा आलम जो बहुत ही आला ओहदे पर था, आलम फाजल था, और वो किस तरह एक नेगेटिव काम में, अनलॉफुल काम में पड़ गया और फिर मगरूर हुआ, मगरूर होने की वजह से वो बुराई में पड़ा और फिर उसकी डाउनफॉल हुई। तो ओवरऑल राइटर ये कामयाब हुआ है कि उसने एक करैक्टर को प्रॉस्पेरिटी से एडवर्सिटी तक पहुंचाया है, बहुत अच्छी सिचुएशन से उसे बहुत बुरी सिचुएशन तक पहुंचाया। तो ट्रेजेडी की तारीफ यही है कि ट्रेजिक हीरो जो होता है वो प्रॉस्पेरिटी से एडवर्सिटी में आ जाता है, वो बहुत खुशहाली से बदहाली में आ जाता है, तो ट्रेजेडी कम्प्लीट हो जाती है। ओके, ओवरऑल इस ड्रामे के बारे में मेरे अपने व्यूज़ ये हैं। ये इस ड्रामे का एंड उसने गो के रिलीजियस कर दिया है डॉक्टर फॉस्टस ने, सॉरी मार्लो ने, क्रिस्टोफर मार्लो ने। हालांकि ये एंड जो उसने किया है, ये एंड उसने जस्ट लोगों से बचने के लिए किया है। वो मैं भाई रिलीजियस आदमी हूँ, मैं गॉड पर यकीन रखता हूँ, मैं तो कंडेम करने जा रहा हूँ, लेकिन दरमियान में जिस तरह की बातें उसने की हैं, जितनी बोल्ड बातें की हैं, कि वो लगता है कि उसका मकसद पूरा हो चुका है। जो कुछ लोगों को सिखाना चाहता था या लोगों की बातों को रिप्रेजेंट करना चाहता था वो कह दिया है उसने। सर, बोर्ड के अलावा भी डॉक्टर फॉस्टस एंड के में साथ हो रहा है ना, तौबा करने के बारे में सोच हो रहा है ना, लेकिन उसको खुदा की कोई मदद ही नहीं आती। इस तरह से भी ईमान कमजोर कर दिया गया है कि नहीं, शैतान ही ज़्यादा हावी हो रहा खुदा के ऊपर। अच्छा, अल्लाह रहम करे। और दूसरी बात यह कि इस ड्रामे का स्टार्ट स्टार्ट है, बस पहले टू एक्ट जो हैं कॉमिक एलिमेंट को छोड़कर और वेगनर की बातों को छोड़कर, पहले जो स्टार्ट है वो इंतहाई मजबूत है, और अक्सर पैराग्राफ भी वहीं से आता है, या लास्ट वाले एक्ट फाइव से आएगा या पहले में से आता है। ज़्यादा काम की बातें शुरू में हैं, जो कुछ कहने वाली थी, जो स्टार्ट था वो था। मिड में तो डॉक्टर फॉस्टस वो डॉक्टर फॉस्टस रहा ही नहीं जो उसने शुरू में क्लेम किया था कि वो क्या बनने जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कि क्रिस्टोफर मार्लो ने इसका बस पहला हिस्सा लिखा है, बाद में तो शायद लोगों ने खुद ही बना के या किसी और ने लिखा है, फिर यह इसको तब्दील कर दिया गया है। ये वो ड्रामा दूसरे एक्ट के बाद वो ड्रामा लगता ही नहीं है जो ड्रामा स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट तो कुछ और हुआ है, आगे जाकर तो कोई बात ही कोई और हो गई है। वो एक जोकर के तौर पर सामने आया है, हालांकि वो तो ओमनीपोटेंस बनने जा रहा था। इस ड्रामे में जहां पर वो ड्रैगन की पीठ पर बैठ कर जाता है, उसके बाद पता नहीं वो क्या क्या राज आशकार करता और किस किस तरह फाइट करता, किस किस के साथ क्या क्या करता, तो हो सकता है कि बहुत बड़ा ड्रामा इसके आगे हो। अच्छा, ये मतलब ये भी हो सकता है कि उस वक्त, क्योंकि राइटर जो हैं, जो भी राइटर होते हैं जो ड्रामा लिख रहे होते हैं या नावल लिख रहे होते हैं, क्योंकि मैं खुद इस एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ एज ए नावलिस्ट या एज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, तो हम दोस्तों से शेयर करते हैं। हम एक लॉन्ग स्टोरी जब लिख रहे होते हैं नावल की सूरत में, तो हम दोस्तों से शेयर करते हैं, यार मैं लिख रहा हूँ, मैंने वहाँ तक पहुँचा दिया है। तो दोस्त खाने की टेबल पर बैठे ही बातें बता रहे होते हैं, बुटा साहब आप इसको ऐसे कर दें, और नहीं यार इससे सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा, और नहीं यार अगर आप इसको ऐसे ले जाएं, तो फिर जब मशवरे देते हैं तो उससे क्या होता है, हम ज़्यादा निखर जाते हैं और हमें लोगों के व्यूज़ भी थोड़े से मिल जाते हैं, और हम उस ड्रामा को, उस नावल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, उनको सामने रख कर कोई अच्छा आइडिया भी मिल जाता है किसी दोस्त का। हो सकता है मार्लो उस वक्त इस ड्रामे को डिस्कस भी कर रहा हो किसी दोस्त के साथ, और जब वो स्टार्ट, जिसने जब उसने बिगनिंग कंप्लीट की है, मिडल में आया है, तो दोस्तों ने शायद मशवरा दिया होगा तो मारा जाएगा, ये काम ना कर, ये तो गलत चला गया है। तो उसने फिर वहाँ पर लूज़ कर दिया हो, कॉन्फिडेंस वो ना रहा हो मार्लो का, उसने फिर उसको कहा हो भाई इसको नबेड़ के एंड करो, इसको रिलीजियस टून में ले जाऊँ, अब इसे बड़े कारनामे ना दिखाऊँ। ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पूरा ड्रामा मिड तक तो यहीं हो, यानी कि बिगनिंग तो यहीं हो। ड्रामे को तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, बिगनिंग, मिडल एंड एंड। बिगनिंग तो उसने बना ली है, और मिडल और एंड इसका हो सकता है ड्रामे का असल कोई और हो, लेकिन बाद में फिर जब लोगों के हाथ में आया हो, क्योंकि उस वक्त तो कच्ची कापियाँ होती थी, उस वक्त प्रिंट मीडिया तो नहीं था, तो वो जो कच्चा हिसाब किताब था लिखा हुआ, लोगों ने हो सकता है अपनी मर्ज़ी की अमेंडमेंट लगा दी हो, या उन्होंने अगले पार्ट काट दिए और उसमें कुछ और डाल दिया हो अपनी मर्ज़ी का, क्योंकि उस वक्त भी राइटर होंगे, लिखते होंगे, तो ये हमें मस्कशुदा हालत में मे भी मिला हो। मे भी ये भी है कि उसने मार्लो, क्योंकि फर्स्ट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट है जो इतनी बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आ रहा है, तो ये इमेच्योरिटी पॉसिबल भी है, ठीक है।
वो इतना बड़ा स्टेप ले गया है, इतना बोल्ड करेक्टर बना गया है और वो एक कॉमन मैन लेकर आ गया है, बहुत सारी तब्दीलियाँ की हैं। वो जो अरिस्टोटलियन मूड में ठहरे हुए थे, कहते थे बस जैसे ग्रीक लिखते हैं वैसे ही लिखनी चाहिए ट्रेजडी, ट्रेजडी वो ये बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेजडी है ना, बिल्कुल मुख्तलिफ कर दिए उस ट्रेजडी। आपको ईडीपस रेक्स पढ़ाएंगे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन देखेंगे, उसकी टेक्निक देखेंगे, उसका प्लॉट देखेंगे, उसके मूड देखेंगे, बिहेवियर देखेंगे, करेक्टर देखेंगे, ट्रेजिक हीरो देखेंगे, ट्रेजडी का सेंस देखेंगे। तो आप जब इससे कंपेयर करेंगे आप इसको, तो आप कहेंगे हाँ ये ग्रीक ड्रामा से बहुत डिफरेंट हो गया ड्रामा। और ये क्रिस्टोफर मार्लो है जो एक कॉमन मैन को लेकर आया है, और बाद में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और इब्सन जैसे लोगों ने फिर बिल्कुल कॉमन मैन को ट्रेजडी में ले आए हैं। आम आदमी की ट्रेजडी की बात की गई है, पहले तो कहते कि आम आदमी की तो कोई ट्रेजडी नहीं है। हम भी जब फिल्म देखते थे बैठ के 20 साल पहले, आप खुद अंदाज़ा कर लें, उसमें एक्शन फिल्म लेकर आते थे, बस हीरो को गोली ना लगे, उसके साथ वाले कई लोगों को गोली लग जाती थी। वो विलन था, वो जब तक नहीं मरा, चाहे उसके साथ 200 लोग मर गए, हमें उनकी परवाह नहीं होती थी। हम कहते कि जब विलन मरे तो वो 200 लोग जो साथ मरते हैं उनकी भी तो ट्रेजडी होती है ना, उनकी डेथ हम कंसीडर ही नहीं कर रहे होते क्योंकि वो कॉमन मैन होते हैं। आज देखें, आज जो ही कोई ऐसा काम होता है तो हम फौरन सोचते हैं यार वो साथ वाला जो बंदा जो राहगीर मर गया था या कोई दूसरा, यार उसकी भी ट्रेजडी हुई है। तो कैसे होगी, वो 16 सेंचुरी के अंदर कॉमन मैन को हीरो बनाकर पेश किया गया, उसकी ट्रेजडी दिखाई गई, तो हर एक कॉमन मैन ने अपने आप के साथ उसको रिजेंबल किया, रिकग्नाइज किया, और उसने कहा हाँ मेरी भी वैल्यू है, मेरी भी वर्थ है। और उसकी वैल्यू और वर्थ जब सामने आती है तो लोग उस पर डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, और फिर यहाँ से जन्म लेती है ये चीज़। इस चीज़ का क्या देखते हो मिसाल के साथ, इधर बहुत सुनो, तो इस चीज़ का ये एक सबूत मिल जाता है कि देर इज़ इंडिविजुअलिज़म, कि हर शख्स की शख्सी इम्पोर्टेंस है। ये देखें कि आप आज जो बैठे हुए हैं, आज आप देखें कि हर एक शख्स इम्पॉर्टेंट है आप में से, है कि नहीं। आप 300 साल पीछे चले जाएं, वी आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ओनली शाही ख़ानदान वर इम्पॉर्टेंट। वो शाही ख़ानदान जो था वो इम्पॉर्टेंट होता था, कॉमन मैन की तो कोई ज़िंदगी नहीं, कुत्ते जैसी ज़िंदगी थी। आज देखिए हर एक शख्स की इम्पॉर्टेंस है। डेमोक्रेसी कहाँ से आई है, डेमोक्रेसी का वजूद कहाँ से आ गया, शख्सी आज़ादी का, हर शख्स की अहमियत का कहाँ से आया, यहाँ से स्टार्ट होती हैं वो चीज़ें, क्रिस्टोफर मार्लो स्टार्ट होती हैं वो चीज़ें। यहाँ हमारे लोग इतने सेंसिटिव नहीं हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। और 16 सेंचुरी में उन्होंने ये सेंसिटिविटी, उनकी आलम सेंसिटिविटी का ये है, इस तरह की चीज़ें वो सोचते हैं, कहते हैं। हम तो अभी यहाँ तक भी नहीं पहुँचे, ये चीज़ें गलत हैं, सारी गलत हैं। हो सकता है कल इंग्लिश पीपल हमसे भी ज़्यादा अच्छे मुसलमान हो जाएं, लेकिन चक्कर काट कर आएंगे ना, पर्सनल एक्सपीरियंस लेकर आएंगे ना। फिर दोबारा उन्होंने ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के अंदर स्पिरिचुअलिज्म के बड़े बड़े डिपार्टमेंट खड़े कर दिए हैं। क्यों, BZU अब तक एम ए इंग्लिश लिटरेचर कराती थी, एम ए फिलासफी कराती थी, एम ए साइकोलॉजी कराती थी, MSc मैथमेटिक्स कराती थी, MSc बॉटनी कराती थी, जोलॉजी कराती थी, आज उसने स्पिरिचुअलिज्म का डिपार्टमेंट खोल दिया है। क्यों, यस, हम लोग ट्रैवल करके वहाँ पर फिर वापस आएंगे ना, तो एक्सपीरियंस तो शर्त है। एक्सपीरियंस करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से, पक्के तरीके से अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर जैन है तो ट्रैवल करेंगे, अगर जैन नहीं है तो फिर फॉलोअर बनेंगे, ग़ुलाम बनेंगे, फिर ग़ुलाम बनते रहें जो हमें जिस तरफ लगा ले। तो बात सिर्फ इतनी है, कॉमन करेक्टर को लाने की कितनी अहमियत है, अगर आप इसको गौर करेंगे तो आपको लगेगा वाकई यार इम्पॉर्टेंट बात है। आज इसी बातों की वजह से दुनिया के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस है। आप ये मत सोचें ओ हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो बैठे हुए पाकिस्तान में और पाकिस्तान की एक अपनी फ़िज़ा है, अपनी दुनिया है। नो, नेवर। आप जो जदीद कंट्रीज़ के अंदर जदीद लोग बैठे होते हैं, राइटर बैठे होते हैं, उनकी एक राइटिंग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस करती है बलूचिस्तान के एक शख्स के ऊपर भी। लाहौर तो फिर भी वेस्टर्न तर्ज का सिटी है, लाहौर तो वेस्टर्न तर्ज का सिटी है ना, हम तो जदीद क्वाइट मॉडर्न है। पूरे पाकिस्तान में ऐसे लोग नहीं हैं जिस तरह हम मॉडर्न हैं, जिस तरह हमारी काट तराश है। तो हमारे ऊपर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है उनकी एक राइटिंग का। वो कैसे भाई, अगर आप आज बाहर बैठे हुए हैं
तो किस वजह से बैठे हुए हैं आप? एडन रिच की वजह से बैठे हुए हैं। एडन रिच वो अमेरिकन राइटर है, उसको पढ़ाएंगे आप, देखेंगे पढ़ेंगे तो आप कहेंगे हाँ। इब्सन की वजह से बैठे हुए हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की वजह से, उनकी थेरीज का, उनकी बातों का इन्फ्लुएंस है दुनिया के ऊपर। तो आप लोग वेमेन खास तौर पर बाहर जो आइए तो इब्सन और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और एडन रिच इन लोगों की वजह से बाहर आइए। अदरवाइज 20-25-30 साल पहले आप देखें, आप तो घरों तक महदूद थे। आज आप अपने हकूक भी मांगते हैं, बाहर भी आते हैं, काम भी करते हैं, तो उनकी थेरीज का प्रेशर है। और ये मत सोचें अगर दुनिया बदल रही है तो बदल जाएगी तो हम वैसे बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर दुनिया सारी की सारी चोर उचक की बदमाश हो जाएगी ना, तो आप चोर उचक के बदमाश होने से नहीं रह सकते। आप पूरा इलाका इर्द गिर्द आपका, इकबाल टाउन भी, मरगजार भी, और पीछे मंसूरा भी, और उधर सब्जाजार भी, ये सारे मोहल्ले जदीद हो जाए, बदमाश उचक्के हो जाए, और आप कहें कि अवान टाउन के लोग जो हैं वो बैठे रहेंगे, वो जी शरीफ रहेंगे। कोई नहीं शरीफ रहने भी राम, हमारे भी कोने टूटते जाने हैं, हालात हमारे भी वैसे होते जाने हैं। अगर वो चारों तरफ से मरगजार और सब्जाजार और ये सारे के सारे इकबाल टाउन, अगर ये शरीफ हो गए, इंतहाई सादा हो गए, अच्छे हो गए, सेंसिबल हो गए, तो फिर जो अवान टाउन के उचक्के और बदमाश हैं तो वो भी तब्दील हुए बगैर नहीं रह सकते, वो भी तब्दील लाजमी होंगे, अच्छे हो जाएंगे। अब ये पता नहीं है कि कौन से ठीक हैं। मुझे तो इतना पता है सऊदी अरब के अंदर भी अब रेवोल्यूशन चल गई है, वहाँ पर भी औरतें कह रही हैं हमें गाड़ी चलाने की इजाज़त दो, ये हमने अबाया नहीं पहनना, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं वो लोग भी, वहाँ की ख़वातीन भी। तो वहाँ भी तब्दीली आ रही है ये चीज़ें, और यहाँ भी आ रही है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को माफ़ करे, अल्लाह करे तब्दीलियाँ ना आए कम अज़ कम उस वक्त तक जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती और मेरे बच्चे बड़े नहीं हो जाते और उनकी शादियाँ नहीं हो जाती, फिर मैं जब मर जाऊँ फिर जो मर्ज़ी करूँ। Nice of you, take well care yourself, thank you for being here and thank you for keeping good ears, और मुझे बर्दाश्त करने का शुक्रिया पूरे ड्रामे में।